नहीं, मैं अभिषेक मैम, एमएस एकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों यूट्यूब पर यदि आप मेरे वीडियोस को तरह स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। बच्चों हम जानते हैं कि हमारी आंखों में इमेज कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, ठीक है ना। रेटिना कहाँ है, आंखों के अंदर जो एक लेयरिंग होती है उसका नाम होता है रेटिना, जिसके ऊपर इमेज बनता है। रेटिना जो है उसके अंदर दो तरीके के सेल पाए जाते हैं, एक होता है रॉड सेल और दूसरा होता है कोन सेल। रॉड सेल की संख्या रेटिना में होती है 60 लाख और कोन सेल की जो संख्या होती है वो 1 करोड़ 20 लाख है ना, 1 करोड़ 20 लाख संख्या होती है कोन सेल की। जो रॉड सेल होता है वो बच्चों डार्क में अंधेरे में देखने में हेल्प करता है, और जो कोन सेल होता है वो लाइट में यानी कि में देखने में हेल्प करता है, ठीक है। हमारे इंसानों में ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में रॉड सेल और कोन सेल दोनों पाया जाता है, इस वजह से हम दिन में भी आसानी से देख पाते हैं और रात में भी आसानी से देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम आउल की बात करें, उल्लू की बात करें, तो उनमें रॉड सेल पाया जाता है लेकिन कोन सेल नहीं पाया जाता, इस वजह से उल्लू ओनली डार्क में यानी कि रात में देख पाते हैं जबकि दिन में नहीं देख पाते। और अगर हम बात करें हेन यानी कि मुर्गियों की बात करें तो मुर्गियों में कोन सेल पाया जाता है, रॉड सेल नहीं पाया जाता, इस वजह से मुर्गियां दिन में तो देख पाती हैं लेकिन रात में एकदम अंधेरी हो जाती हैं। तो बच्चों ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट्स यदि आपको जानने हैं और यदि आपको अच्छा स्टडी करना है साइंस का तो आप चैनल को सब्सक्राइब